नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। डॉक्टर साहब में आज हम जानने और समझने की कोशिश करने वाले हैं कि बच्चों में जो जन्मजात हृदय रोग होते हैं वो किन कारणों से होते हैं, माता पिता जो है अपने बच्चों में इन रोगों की पहचान किस तरीके से कर सकते हैं और इलाज क्या है। और सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ इस वक्त बैठे हैं डॉक्टर बीरेंद्र कुमार सिंह, जो कि एक बहुत ही मशहूर चाइल्ड स्पेशलिस्ट होने के साथ साथ इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में डेप्यूटी डायरेक्टर भी। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार। जैसा कि डॉक्टर साहब आपने अभी सुना ही कि कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें जन्मजात हृदय रोग होते हैं, तो ये किन कारणों से होते हैं, कितने तरीके के होते हैं? बच्चों में हृदय रोग का कारण तो एग्जैक्ट मालूम नहीं है, लेकिन कुछ समस्याएँ होती हैं जो अगर माता पिता ध्यान दें तो उनसे बचा जा सकता है। पहला है कि बच्चा अगर जन्म लेते ही उसमें कुछ दिक्कत आती है या हार्ट का बीमारी होता है तो उस जेनेटिक होता है। अगर एक बच्चा मान लीजिए उनका हृदय रोग से पीड़ित है तो अगला बच्चा में चांसेज ऑफ हार्ट डिजीज ज़्यादा होता है अमूमन लोग और बच्चों के कंपैरिजन में। दूसरा, अगर माता पिता डायबिटिक हैं, माँ अगर डायबिटिक हैं या शुगर का बीमारी है, ऐसे बच्चों में भी मतलब उनके बच्चों में भी हृदय रोग होने का समस्या होने का संभावना रहता है। तीसरा, अगर कोई कोई माताएं जो शहरों में ज़्यादा कॉमन है वो नशे का सेवन करती, जैसे शराब पीती हैं या सिगरेट पीती हैं या बीड़ी पीती हैं, अगर माता गर्भवती गर्भ के समय अगर इन सब चीज़ सेवन करती हैं तो वैसे बच्चों में भी उनके बच्चों को हृदय रोग होने की समस्या हो सकती है। और कभी कभी कोई कोई बीमारी हो जाता है, अगर गर्भ के दौरान माँ अगर उससे पीड़ित हो तो उनके बच्चे को भी हार्ट का बीमारी होने का डर होता है, जैसे रूबेला बीमारी होता है जो माँ को हो अगर गर्भ के समय, तो उसमें बच्चों को हृदय रोग के समस्या के साथ बच्चा पैदा होता है। और अगर मान लीजिए गर्भ के समय कहीं एक्सरे का एक्सपोजर हो जाए या कुछ दवाइयां ऐसा जो सेवन करती हैं जो एपिलेप्सी या मिर्गी रोग में चलता है, तो ऐसे माताओं के बच्चों में हृदय रोग की बीमारी होने का समस्या हो सकता है। डॉक्टर साहब, अब जिस वर्ग के बच्चों की हम बात कर रहे हैं वो खुद तो अपनी परेशानियां जो है वो बयान नहीं कर सकते, तो ऐसे में माता पिता किस तरीके से पहचाने कि उनके बच्चे के हृदय में ऐसा कोई गंभीर रोग जो है वो हो सकता है? अगर बच्चा हृदय रोग के बीमारी के साथ पैदा होता है तो उसमें दो तरह का होता है। एक में ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें बच्चा नीला पड़ जाता है, तो उनको पहचानना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। बच्चे माँ बाप खुद पहचान लेते हैं कि बच्चा मेरा कुछ ज़्यादा ही नीला या काला दिखाई दे रहा है, तो वैसे अगर इस तरह का समस्या के साथ बच्चा अगर दिखता है तो तुरंत डॉक्टर से सलाह ले करके उसका इलाज कराना चाहिए। और कुछ बच्चे होते हैं जिनमें वो ब्लू नहीं होता या साइनोसिस नहीं होता है, वो वैसे बच्चों में पहचान करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो वैसे बच्चे हैं ना, वो दूध पीने में उनको समस्या होती है, उनको बार बार निमोनिया हो जाता है या सांस लेने में दिक्कत होती है, उनको ग्रोथ नहीं होता, बच्चे का वजन नहीं बढ़ता है और बार बार सांस फूलने का समस्या होता है। तो अगर ऐसा हो तो बच्चे को लेकर किसी डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। अगर उनका जांच समय पर हो और उसका समुचित इलाज हो तो ज़्यादातर बच्चे ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि अगर समुचित इलाज होगा तो बच्चा जो है बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएगा, तो ऐसे में ये समझना चाहूँगी कि इलाज जो है इन हृदय रोगों का दिल में छेद होने का किस तरीके से होता है? हाँ, इलाज तो है, आजकल इलाज थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो गया है और ज़्यादातर बच्चे जो गंभीर हृदय रोग के वजह से पीड़ित होते हैं वो अगर समय पर इलाज उनका हो तो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और आजकल बिहार सरकार द्वारा एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, बाल हृदय योजना, जिसके तहत 18 साल से नीचे जो भी बच्चे हैं 0 से 18 ईयर्स तक जिनको हार्ट में छेद हो जन्मजात, उसका इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, जिसमें मरीज को एक पैसे का खर्चा नहीं होता है और गरीब से गरीब परिवार भी इसका अभी लाभान्वित इससे हो रहे हैं। और करीब 200 बच्चे अभी तक इस समस्या से समाधान उनका हो चुका है, जिसको अगर ये प्रोग्राम नहीं रहता तो ये संभव नहीं था, क्योंकि जितने भी बच्चों का इलाज हुआ है वो सब बहुत ही गरीब परिवार के हैं और हर
हार्ट की बीमारी का इलाज में करीब 1.5 लाख का खर्चा आता है, जो कि ऐसे परिवार को उसका इलाज कराना संभव नहीं था। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम चल रहा है और इस प्रोग्राम का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ उठाना चाहिए और लोग उठा भी रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं उन्हें आपने ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। ऐसे ही किसी अन्य मुद्दे के साथ फिर जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में आकर आप हमें अपनी समस्या भी बता सकते हैं और अगर आप चाहें तो अपने सवाल हमें मेल पर भी भेज सकते हैं। धन्यवाद।